हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश आज आप लोगों को ओपीएम के बारे में बताने हैं। तो ओपीएम को अफीम भी कहा जाता है। तो इतना जान जाए ओपीएम में कहाँ यूज करेंगे, ओपीएम किस परिस्थिति में चलाएंगे जो पेशेंट का क्विक एक्शन हो और ठीक हो जाए। तो ओपीएम का पहला चीज है कि उसका पेशेंट बहुत झूठ बोलता है। पहले अपना जानते हैं कि वो दुनिया का समझिए कि बहुत बड़ा का झूठेबाज है। और ओपीएम का पेशेंट बहुत जो काम नहीं करना चाहिए वो वैसा काम करता है। तो उस पेशेंट को ओपीएम दें, बहुत ही बेटर काम करें। ओपीएम को पेशेंट को डर भी हमेशा सताता रहता है। उसका पेशेंट होगा वो हमेशा कहेगा कि हमको इस चीज़ का डर है, उस चीज़ का डर है। तो उसे आप एक खुराक ओपियम दें, बहुत ही बेटर काम करेगा। तीसरी चीज़ है कि ओपियम जो मेडिसिन है वो इंटेस्टाइन को बहुत ही बेटर काम करती है। अब आपका इंटेस्टाइन फुला फुला रहता है, मल त्याग प्रॉपर बेस में नहीं हो रहा है, 2 से 3 दिन पर आपका मल त्याग होता है। और वो भी तैयार होता है तो काले काले, ब्लैक ब्लैक, गोल गोल राउंड में सूखा सूखा। तो उस परिस्थिति में आप ओपीएम दें 200 बार में सुबह शाम, आपका इंटेस्टाइन बहुत बेटर ढंग से वर्क करने लगेगा और आपका पेट भी साफ होगा। ओपीएम अब ऐसे पेशेंट को भी चलता है जिसका जीभ जो है, टंग जो है वो काला काला रहता है। तो काला काला टंग है तो उस पर भी आप ओपीएम 200 पावर सुबह शाम चलाएं, उसका टाइम बेटर हो जाएगा। ओपीएम के पेशेंट को एक चीज़ और होता है कि सर के पीछे थोड़ा सा भारी भारी लगेगा, तो उस परिस्थिति में भी आप ओपीएम दें, बहुत ही बेटर काम करें। अब ओपीएम जो है उसका पेशेंट अगर फीवर है तो बहुत सुस्त रहता है, बहुत सुस्त अवस्था में पड़ा रहेगा और सीने में घबराहट की आवाज़ हो, तो उसे आप एक खुराक ओपीएम 200 पावर में दें, बहुत ही बेटर काम करती है। ऐसे ओपीएम नींद में भी मेडिसिन चलता है। तो हाई डोज तो नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर चलाते भी हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर लो पावर में 30 पावर में भी अगर ओपीएम आप लेते हैं सुबह में एक डोज, तो नींद भी अगर नींद बढ़िया से नहीं आ रहा तो उसमें भी सुधार करता है। उसके बाद जो चीज़ है ओपीएम, अगर बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन और कोई सूखा सूखा आपका मल त्याग हो रहा है तो उसमें भी बेटर मेडिसिन है ओपीएम, क्योंकि ओपीएम चला सकते हैं। तो इन सब ऐसा ऐसा सिम्टम अगर मिलता है तो आप उसमें ओपीएम चला सकते हैं। लेकिन ओपीएम बहुत बारीकी ढंग से, जब भी दवा को चलाएं तो बहुत बारीकी ढंग से दें, सारा सिम्टम को आप समझ जाए तब उस दवा ओपीएम मेडिसिन को चलाएं। क्योंकि ओपीएम एक बहुत ही बेटर मेडिसिन है और ना जैसे अमेरिका ऐसे कॉमन मेडिसिन भी नहीं है, उसका एक खास रूप है ओपीएम का। जैसे हाथ में कंपन है और जैसे जलजेमे में भी हाथ में कंपन होता है, लेकिन ओपीएम में सबसे ज़्यादा अगर कंपन हो और झटका हो तो वो ओपीएम से ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को जान करके आप ओपीएम मेडिसिन आप किसी पर चला सकते हैं। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन ओपीएम मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नज़दीक के फिजिशियन से एक बार सलाह भी ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।